भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, इतना बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। एक प्रश्न रख करके आपके सामने और फिर मैं मेरी बात को कहूंगा। जो सब पांडाल में नीचे जो लोग बैठे हैं वो लोग बड़े हैं या सब हम इधर व्यासपीठ और मंच पर बैठे हैं बड़े हैं, कल तक सोच करके बता देना, ठीक है। दूसरा निवेदन ये करूं, एक छोटा अर्ध कुंभ कह दूं, मेरा मन बहुत प्रसन्न है इन महापुरुषों के दर्शन करके। बहुत आनंद है, लेकिन ये सब कृपा दरियावी जी महाराज और दाता श्री की और गुरुदेव भगवान की है। अच्छी तरह से मैं जानता हूं इस बात को, इतना बड़ा आयोजन करना मैं जानता हूं इसके लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन फिर एक बार निवेदन करूं कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और सभी लोग खड़े हैं साथ। बेंगलोर से यहां लोग हैं, चेन्नई से यहां लोग हैं, आसपास के गांव के सभी लोग यहां है, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों का साथ, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, हमारे पूज्य कृपाराम जी महाराज, राजा राम जी महाराज, इनका बड़ा स्नेह। पहले मैंने निवेदन किया, देखो बड़ी बात तो मैं नहीं कर सका, संतों के चरणों में निवेदन ही कर सकते हैं, आदेश करने की तो औकात ही कहां हमारी। मैंने कहा महाराज जी कथा गानी है आपको, यही निर्णय क्यों लिया मैंने कि कृपाराम जी ही कथा गाए, राम प्रसाद जी ही कथा गाए। और भी बहुत वक्ता है, बड़े बड़े लोग हैं, गाने वाले हैं, लेकिन अंदर से जो प्रेम रहता है ना, तो उनका ये मामला बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये अपने आप ही संभालते हैं। राजा राम जी महाराज की विशेषता कि ये माइक संभाल लेते हैं सब कुछ, सब हम आते नहीं तब भी आराम से सब मंच को संभाल लेते हैं, ऐसा ही हमारे राम प्रसाद जी महाराज। और उनकी विशेष बात शाम को निवेदन करूंगा, बहुत प्रेम करते हैं मेरे से और आप लोगों का स्नेह ऐसा ही बना रहे। दूसरा निवेदन ये करूं कि इस महाकुंभ का, कथाएं बहुत गाई है मैंने, बहुत जगह कथाएं करता हूं और ठाकुर जी ने चाहा तो करता भी रहूंगा, लेकिन ये जो कथा का हेतु मुख्य मेरा लक्ष्य ये है, जितना ज्यादा हो सके उतना सभी भक्तों को भोजन करवाया जाए। बाकी सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं सामान्य मानता हूं, लेकिन ये विशेष व्यवस्था है और इसको बहुत बढ़िया करना है। सात ही दिन ये महाकुंभ ऐसे ही चलता रहना चाहिए और पब्लिक बढ़ती जानी चाहिए और भंडार में भोजन बनता रहे और बस भोजन करवाने वाले कहें वाह महाराज खूब प्रेम से लोग पाते हैं। निवेदन करूं कोई भी प्रसाद लिए बिगर न जाए आप, बाकी दूसरा काम होवे या ना होवे, कोई सेवा कर पाओ या ना कर पाओ, जल पिला पाओ या ना पाओ, लेकिन भोजन करके जरूर जाना। आइए अब मन में इच्छा हो गई गाने की, भाई लगाओ सुर लाओ गाते हैं, दूसरा सुर। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत अलार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। अमर गुरु हृदय बसो नमो संत श्री मोर, करे वंदना राम से जन गुलाब जी कर जो। बोलिए दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। दुहाए आशीर्वाद बहुत बड़ा काम कर देता है। बोले मेरे सतगुरु अमृत वाणी, बोले मे
सतगुरु अमृत पानी ओ तारा दूध पानी रा पानी ओ तारा दूध पानी रा पानी कर श्री राधे घर नहीं चैन चैन नहीं मन में घर नहीं चैन चैन नहीं मन में रागी मारे चोट संबंध की तन आगी मारे चोट संबंध की तन बोले मेरे सतगुरु अमृत मानी बोले मेरे सतगुरु अमृत मानी अमृत मानी तू नारा दूध पानी रा पानी तू नारा दूध पानी रा पानी हो जगत सब रोगी जगत सब राम जी भजे जानी काया रोगी राम जी भजे जानी सतगुरु वेद जगत सब रोगी सतगुरु वेद जगत सब रोग राम जी भजे वाली काया रोगी जी भजे वाली काया रोगी बोले मेरे सतगुरु अमृत बाणी बोले मेरे सतगुरु अमृत बाणी अमृत बाणी तू तारा दूध पानी रा पानी तू तारा दूध पानी रा पानी ताली के साथ बोलिए दाता श्री रामदास महाराज की करे चमड़ा सतगुरु पुष्प मैं हूँ भवरा सतगुरु पुष्प मैं हूँ भवरा राम जी भजे वालों कहीं करे चमड़ा राम जी भजे वालों कहीं करे चमड़ा बोले मेरे सतगुरु अमृत मानी बोले मेरे सतगुरु अमृत मानी अमृत मानी तू दारा दूध पानी रा पानी तू दारा दूध पानी रा पानी
कबीर सुनो भई साग सुनो भई साग सुनो भई साग खेत कबीर सा सुनो भई साधो खेत कबीर सा सुनो भई साधो भट ही माय मिलाया कंता भट ही माय मिलाया कंता बोले मेरे सतगुरु अमृत पानी बोले मेरे सतगुरु अमृत पानी अमृत पानी तू तारा दूध पानी पानी तू तारा दूध पानी पानी बोले मेरे सतगुरु अमृत पानी बोले मेरे सतगुरु अमृत पानी बोले मेरे सतगुरु अमृत पानी तू तारा दूध पानी पानी तू तारा दूध पानी पानी तू तारा दूध पानी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। संध्या को ठीक 7 बजते ही आप लोग पहुंचने की कोशिश करें। 7 बजे से 10 बजे तक नानी बाई के माहिरे का आनंद लेना है, झांकियों के साथ बड़ा आनंद रहेगा। और सुबह में प्रातःकाल हर रोज 9 बजे से 1 बजे तक का हमारा ये भागवत भागीरथी का प्रसाद आप सबको मिलता रहेगा। ये हम सभी समय का विशेष ध्यान रखेंगे और सेवा का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर एक बार निवेदन करूं, इस संस्थान के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद और देसी आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोल को दूं विराम।